Roshni Walia, and today I'm doing the segment called What's in My Bag, and I'm really, really excited and nervous. क्योंकि मैंने actually bag अच्छे से खोल के check नहीं किया है कि इसके अंदर क्या क्या रखा है मैंने. Okay, so the first thing, of course, has to be my wallet. इसके अंदर ज़्यादा पैसे तो नहीं होंगे क्योंकि मैं ज़्यादा पैसे कैरी नहीं करती, क्योंकि अगर मैं कैरी करती हूँ वो है 2-3 हज़ार रुपये और कार्ड्स हैं एंड देन माय फ़ोन, बट वो यूजली मेरे हाथ में ही रहता है तो आई वोंट से कि मैं अपने बैग में ज़्यादा रखती हूँ. एंड देन हैज़ टू बी माई क्यूट सा ब्रश. आई गॉट दिस फ्रॉम मिनीसो, अगर आपको ऐसा चाहिए होगा. एंड देन माई ग्लेस. And then I have a sanitizer which is from Body Shop, but ये मैंने smell के लिए रखा है, पर proper sanitizer भी है मेरे पास. Mostly मैं flight में जब जाती हूँ तो मैं वहाँ से लेकर आती हूँ एक दो. यहाँ पर मेरा perfume है, इसके बिना मैं रह नहीं सकती. ये मेरा all time favorite perfume है. And then sorry चश्मों का ये, जो कभी इसमें रहता नहीं cover के अंदर. देन ये क्या है, हाँ ये कोई हैंड रब सैनिटाइजर जेल है जो मैंने फ्लाइट से लिया था. लेना चाहिए ना, हम तो इन सब चीज़ों के लिए पे कर रहे हैं, क्यों ना लूँ. और फिर मॉइस्चराइज़र है, एंड एक और मॉइस्चराइज़र है जो मैंने होटल से लिया था. और ये मेरी मेडिसिन है, ये मैं रखती हूँ अपने बैग में कभी भी इमरजेंसी के लिए. और एक लिप बाम है, दिस इज़ फ्रॉम नार्स. एंड देन एक ब्लश है एमरजेंसी, पता नहीं छोटू सा पड़ा रहता है इसके अंदर मेरे पास, और इसके इसको लगाने के लिए कुछ है भी नहीं, सिर्फ यही है. और दिस इज़ अ ब्लश फ्रॉम नार्स. एंड देन एक बुक का कवर नहीं होता, मतलब ये बुक मार्क, हाँ तो वो रखा है बुक्स के लिए, जो पता नहीं इसमें मेरी बुक तो है नहीं, ये अलग से रखा हुआ है. देन एक और लिपस्टिक, दिस इज़ माई फेवरेट, इट इज़ अ मिनी ऑफ ड्राइवर सीट स्मैश बॉक, एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव अप्लाइड ऑन माई लिप्स. देन 10 रुपये का कॉइन है, और ये क्या है, शैम्पू भी रखा है. होटल गई थी ना तो उठा के ले आई थी वहाँ से, जज मत करना, सब लेते हैं सब. ओके, और फिर एक और लिपस्टिक है, आई थिंक दैट्स इट. और टिशूज़ हैं, टिश्यूज़ है, कुछ रैंडम बिल्स हैं, और कंडीशनर है. और हाँ बस यही है एक्चुअली, और कुछ नहीं है. मुझे नॉवेल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, नॉवेल्स, आई लव रीडिंग नॉवेल्स, तो वो भी एज इन वैम्पायर रिलेटेड, तो हाउस ऑफ नाइट मेरी फेवरेट है. और मैंने कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया से ब्रेक लिया था, तो तब मैं वो नॉवेल वापस पढ़ रही थी, अभी मैंने छोड़ दिया, मैं वापस से उसको स्टार्ट करूँगी. बस वैम्पायर रिलेटेड मुझे बहुत पसंद है. It was Betrayal, and that was also from the House of Night series. वो मैंने आधी छोड़ दी, अब मैं आधी वापस पढ़ूंगी बहुत जल्दी. ओके, आई थिंक सो दिस बुक मार्क इज अननेसेसरी, ये इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास बुक तो है नहीं. एंड देन हैज़ टू बी द कंडीशनर शैम्पू जो मैंने चोरी किया है. एंड 3 थिंग्स होनी चाहिए ना. और आई थिंक तीसरा क्या बोलूँ मैम, आई थिंक सो इट हैज़ टू बी माई मेडिसिन, बिकॉज ऑफकोर्स ये हर समय तो मैं यूज़ नहीं करती, तो दिस और यू कैन से माई ग्लेस, नो नो नो, और दिस ब्लश, क्योंकि इसका लगाने का मेरे पास ब्रश नहीं है, तो ये 3 थिंग्स आई कैन नॉट लिव विदाउट इज माई has to be in my bag all the time. तो it has to be my perfume. Gucci का ये perfume मेरा favorite है, ये मेरे bag में हमेशा रहता है. It has to be my wallet because बिना पैसों के मैं कहाँ जाऊँगी. और मेरी lipstick या तो मेरा hair brush, इनमें से कोई भी, but lipstick ज़्यादा. और sanitizer covid के time पर बहुत ज़रूरी है, sanitizer. 4 चीज़ें हो गई, इतना तो adjust कर ही सकते हो.
मैं जब ट्रैवल करती हूँ तो मैं अपने पर्स चेंज करती रहती हूँ, तो इससे पहले कोई और पर्स था, पर यही सामान रहता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता, इससे कम भी कुछ नहीं रहता। और जब शूटिंग करती हूँ तो मेरा बैग बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिंटा की बुक होती है, ये होता है, वो होता है, तो वो बैग बिल्कुल अलग होता है। पर अभी के लिए फ़िलहाल यही है जो मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो मेरे साथ होता है। तो अगर मुझे ये बैग के साथ अकेला भी छोड़ दोगे, मैं 5-6 दिन सर्वाइव कर सकती हूँ, ऐसा मैं कह रही हूँ, पर होगा नहीं, बट हाँ। ये सवाल मैसेज यही है कि आई वॉन्ट टू डू अ वेरी वेरी नाइस प्रोजेक्ट, और उसके लिए मैं बहुत इंतज़ार कर रही हूँ, और पेशेंस, धैर्य ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो अच्छे से वेट कर रही हूँ कि कुछ अच्छा आए। और बहुत ग्रेटफुल हूँ इतने प्यार के लिए, पिछले सीरियल को भी आपने इतना प्यार दिया, तो मुझे बस वैसा ही कुछ करना है जो आप लोग को अच्छा लगे और जो और शो से अलग हो, बहुत अलग हो, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, बट जो भी होगा वो आपको सबसे पहले पता चलेगा।